गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल विल बी ऑल फाइन. ओके, वी आर रीडिंग आवर चैप्टर नंबर 9, यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड. यस्टरडे वी लर्न अबाउट यूज ऑफ हैज एंड हैव. वी यूज हैज विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड वी यूज हैव विथ प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस. नाउ टुडे वी विल लर्न वेयर वी यूज Had is the past form of what? Has and have. Has और have की जो past form है वो है had. हम past form के बारे में पढ़ चुके हैं. एक तो verb की first form होती है present और verb की जो second form होती है वो past form. तो has और have present form है और जो had है वो has और have की past form. कुछ example देखिए. Present form में है I have बुक. ये है प्रेजेंट फॉर्म. आई हैव अ बुक. मेरे पास किताब है पढ़ने के लिए. आई हैव अ बुक टू रीड. अब यही प्रेजेंट फॉर्म में है ये, और यही इसी को अगर मुझे पास्ट फॉर्म में बनाना है तो आई हैड अ बुक टू. आई हैड अ बुक टू रीड. बोथ हैज और हैव के लिए हम लोग पास्ट फॉर्म अगर है तो हम लोग हैड का यूज करेंगे. आई हैव अ बुक टू रीड. आई हैड अ बुक टू रीड. द गर्ल हैज अ टेस्ट टू रीड. अब ये प्रेजेंट फॉर्म है. द गर्ल हैज सिंगुलर है तो हैज लगाया अ टेस्ट. The girl has a test today. तो अब हम यहाँ इसको past form में बनाएंगे तो has की place पे have और has दोनों both जो player हमें जब past form में उसको convert करना होगा तो has और have की place पे हम लोग had use करेंगे. The girl had singular होते हुए भी हम लोग वो ही लगाएंगे. The girl had a test. अब had past form हो गया तो today को भी हमें change करना होगा yesterday. क्योंकि हो चुका है वो past है yesterday. Yesterday जो day हमारा बीत चुका है. Today जो आज present day है और tomorrow जो आएगा कल वो. तो हमारा ये past form में हमने बनाया है. The girl has a test today. आज girl के test है और हमें हाँ past form है ना. तो द गर्ल हैड अ टेस्ट यस्टरडे. टुडे को भी हमें चेंज करके उसको यस्टरडे बनाना होगा. तो अभी तो आपको इतना समझना है कि हैज और हैव दोनों की पास्ट फॉर्म हैड है और सिंगुलर और प्लूरल जो नाउन होंगे उसको दोनों के साथ हम लोग हैज हैव की प्लेस पे अगर पास्ट फॉर्म है तो हम हैड का यूज करेंगे. अब जो कुछ कल 7 से मैंने नहीं करवाए थे आपको वो मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ वहां क्या आएगा तो आप अपना चेक कर लीजिएगा. सेवंथ, शी है सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हैज लगेगा. शी हैज अ न्यू हेयर स्टाइल. जो कल हमने कुछ मैंने आपको होमवर्क दिए थे सेंटेंसेस. शी हैज नो टाइम टू चैट विथ अस. शी हमें यही देखना है जो नाउन और प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हमें हैज और हैव का यूज करना है. आई हैव यूज होगा. आई हैव अ वॉर्म स्वेटर. टेंथ, माई ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल है तो हैव लगेगा. ब्रेकफास्ट एट 8 इन द मॉर्निंग. 11th, ही सिंगुलर प्रोनाउन है. ही हैज एन अलार्म क्लॉक. दे प्लूरल प्रोनाउन है. दे हैव मैनी टॉयज. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. आई यू वी दे और प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज करना है और ही शी इट और जो सिंगुलर है उसके साथ आपको हैज का यूज करना है. ओके okay? तो अब हम आ जाते हैं हैज एंड हैड पेज नंबर 62. ये वाली एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं. पेज नंबर 60. ये मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गई क्या होगा. हैज एंड हैव की जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड. उस टाइम हम लोग सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे. ओके, पास्ट फॉर्म ना भी लगाएंगे वहां हैज एंड हैव के प्लेस पे हम लोग हैड का यूज करेंगे. पेज नंबर 62.
हैज हैव और हैड करेक्टली इन द ब्लैंक्स बिलो, ये हमारा क्वेश्चन है, ये पेज नंबर हमारा 62 है. ओके, डैड यूजुअली हैज बिस्किट्स विथ हिज टी, जो एक रूटीन का जो उनका एक हैबिट है, यूजुअली जो डैड है वो टी के साथ बिस्किट्स लेते हैं. फिर है आई एम सॉरी बट आई हैव, आई लग रहा है इट मीन्स हमें लगाना, आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना पड़ेगा. तो आई सेकेंड वाले में हम यूज करेंगे आई हैव टू गो नाउ. नाउ इससे ही पता लग रहा है कि अभी जाना है उसको, इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस. दीमा डैश हिज ड्राइविंग लेसन्स एवरी डे, रोज कर रही है. तो दीमा सिंगुलर है, गर्ल है, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग, गर्ल बॉयज नहीं, सिंगुलर प्लूरल से यहाँ हमें देखना है. दीमा हैज ड्राइविंग लेसन्स एवरी डे. रोज हो रहे हैं उसके. ही डैश ए मैच टेस्ट यस्टरडे. अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यस्टरडे वर्ड आया है, यस्टरडे मीन्स जो हो चुका है. तो हम क्या यूज करेंगे, पास फॉर्म क्या है इधर आपकी, हैड. तो हम यहाँ यूज करेंगे ही हैड, ही हैड अ मैथ मैथ्स टेस्ट यस्टरडे, कल उसके मैथ्स मैथ्स था. यस्टरडे जो हमारा गेम जा चुका है, बीत चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ एक पास फॉर्म यूज. सेंटेंस नंबर 5, द मैच हैड ऑल द एक्साइटमेंट एंड वी एंजॉयड आवरसेल्व्स टिल द एंड. बच्चों हमने हैड यह इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ ईडी फॉर्म जो पास फॉर्म है वो आ रही है, और हैज का पास क्या है बच्चों, हैड, इसलिए हमने यहाँ हैड लगाया है. नंबर 6, माई सिस्टर्स हैज, सॉरी माई सिस्टर हैज वन मैनी प्राइजेस, शी इज द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन द इन आर डिस्ट्रिक्ट. तो जो इज आ रहा है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इसके हमने यहाँ पे हैज का यूज किया है. 7, आई हैव, ये तो बहुत ईजी है, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक. बुक टू रीड टू नाइट, आज पढ़ने वाला हूं मैं. तो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग बुक है, किसके लिए, आज रात को पढ़ने के लिए, इसलिए हमने आई है, आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो हमने इसलिए यहां पे हैव लगाया. फिर आता है हमारा 8, शी डैश ए कोल्ड, नाउ शी इज बेटर, अब वो ठीक है, पर पहले उसको क्या था, कोल्ड था, तो शी हैड अ Now she is better. अब वो ठीक है, पर उसको पहले क्या था, कोल्ड था. They dash rice for dinner every day. रोज हो रहा है ये काम, प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हम लोग they प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहां have का यूज करेंगे. 9, they have राइस फॉर डिनर एवरी डे. आपको यही ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में पास्ट अगर फॉर्म आ रही है, ईडी फॉर्म आ रही है, तो वहां हमें हेड का यूज करना है, जैसे एवरी डे, टू नाइट, जैसे आज होने वाला है, तो ये प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें हम हैज और हैव का यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है, और हैज और हैव की पास फॉर्म हैड है, वो हम कहा लगाएंगे, जैसे ईडी फॉर्म आई तो हमने हैड का यूज किया, उसको कोल्ड था, अब नाउ शी इज बेटर, अब वो ठीक है, तो हमें यहाँ पे था, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैड का यूज करेंगे. ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है बच्चों, ये आपको बुक में फिल करना और उसको बार बार रीड करना, उससे आपका परफेक्शन होगा.